मोहम्मद रिजवान ने कनाडा के अगेंस्ट दोस्तों 50 तो की, 53 किए, 53 बॉल्स के ऊपर ही दो चौके लगाए, एक छक्का लगाया, 100 का उनका स्ट्राइक रेट था। लेकिन ये 50 जो है, हाँ उसने टेक्निकली कहा जाए तो पाकिस्तान को मैच भी जितवाया है, लेकिन इस 50 ने ना रिजवान को एक बड़ा मुनफरद किस्म का रिकॉर्ड भी दिलवा दिया है। ये T20 की तारीख की सबसे स्लोएस्ट 50 है, T20 इंटरनेशनल्स की तारीख की ये सबसे स्लोएस्ट 50 है। 52 बॉल्स के ऊपर रिजवान ने अपनी 50 जो है वो आज कंप्लीट की है। अच्छा, रिजवान से पहले जो स्लोएस्ट 50 का रिकॉर्ड था वो भी इसी टूर्नामेंट में इसी पिच के ऊपर बना है और कुछ दिनों पहले बना है, साउथ अफ्रीका वर्सेस नीदरलैंड्स वाले मैच में। उस मैच में साउथ अफ्रीका के जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं डेविड मिलर, वो कितनी बड़ी तोप है ये सारे जानते हैं। मतलब T20s के अंदर वो सिक्स मास्टर है, वो बाउंड्री हिटर है, वो 150-200 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाला, उसकी सर 50 आई थी 50 बॉल्स के ऊपर डेविड मिलर की अगेंस्ट नीदरलैंड्स। वो इससे पहले स्लोएस्ट 50 थी T20 इंटरनेशनल्स की। अच्छा, इससे पहले जो स्लोएस्ट 50 थी डेविड मिलर वाले से भी पहले, यानी कि जो अब तीसरी स्लोएस्ट 50 बनती है T20 इंटरनेशनल्स की तारीख की, वो सर बनी थी 2007 के एडिशन में, वर्ल्ड T20 2007, डिवॉन स्मिथ वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन थे, उन्होंने बनाई थी और उन्होंने 49 बॉल्स के ऊपर 50 स्कोर की थी अपनी। तो वो अब तीसरी स्लोएस्ट 50 है डिवॉन स्मिथ की, दूसरे नंबर के ऊपर डेविड मिलर हैं, उनकी 50 बॉल्स के ऊपर 50 है, और टॉप के ऊपर मोहम्मद रिजवान हैं जिनकी जो 50 है वो 52 बॉल्स के ऊपर है। अच्छा, ये रिजवान का 30th 50 प्लस का स्कोर है वो एज एन ओपनर, यहाँ पर वो 71 इनिंग्स में उन्होंने ये टारगेट अपना अचीव किया 30th 50 प्लस स्कोर, और ये उन्होंने रिकॉर्ड बराबर किया है रोहित शर्मा के साथ। रोहित शर्मा के भी 30 प्लस स्कोर्स हैं और रोहित शर्मा ने 118 इनिंग्स में ये 50 जो 30 प्लस स्कोर्स हैं वो बनाए हैं, तो यहाँ पर रोहित शर्मा का रिकॉर्ड बराबर किया है इस इनिंग में मोहम्मद रिजवान ने। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने बाबर आजम का रिकॉर्ड बराबर किया है मोस्ट 50s का पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए। रिजवान की ये 50th हाफ सेंचुरी थी वो बाबर आजम के साथ हो गए हैं, अब दोनों की जिसे कहते हैं 50-50 हाफ सेंचुरीज हैं T20 इंटरनेशनल्स के अंदर। और अगर रिजवान की ओवरऑल अगर इनिंग्स देखी जाए, यार बहुत शेकी किस्म की इनिंग्स थी वो, थोड़ा एंड पर आकर थोड़ा ज़रा कॉन्फिडेंस उन्होंने पकड़ा, वरना रिजवान की ना मुझे लग रहा था कि वो ना फंसे फंसे से नज़र आए थे। शुरू में रिजवान को ठीक ठाक किस्म का प्रॉब्लम्स का सामना था, बॉल मिडल नहीं हो रहा था, कभी इधर से जा रहा है कभी उधर से जा रहा है, और ऑब्वियस सी बात है जिस किस्म की ये पिच थी रिजवान ने डांस करना ही था। उनकी जो पिछली इनिंग्स थी वो 30-31 रन की, मेरा ख्याल 44-45 गेंदों के ऊपर अगेंस्ट इंडिया, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था कि यार इतनी बॉल्स भी खेलनी, मतलब ऑलमोस्ट आप यूँ समझे ना कि रिजवान नाना करते कोई 7-8 ओवर खेल कर गए हैं, तो आपको फिर जिताना चाहिए था ना पाकिस्तान को आप, और गलत शॉट बड़ा उन्होंने खेला बुमराह के अगेंस्ट, क्रॉस बैटेड स्लॉग लेग साइड के ऊपर बोल्ड हो गए, तो रिजवान को बहुत क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा था जो कि जेन्युइन था। वो आउट हुए हैं, पाकिस्तान मैच हार गया, वो खड़े रहते तो शायद पाकिस्तान का कोई चांस बन जाता। तो वो जो इनिंग थी उसके ऊपर क्रिटिसिज्म, फिर अब ये वाला जो मामला है जो आज रिजवान ने जिस तरह की बैटिंग की है, हमारी रिजवान हो गए बाबर हो गए इनके अंदर ना वो जिसे कहते हैं ना बाउंड्री हिटिंग एबिलिटी नहीं है। अब आप एरन जॉनसन को चेक करें, गंदी तरीन पिच है, पहले वो बैटिंग कर रहा है, बॉल मतलब ठीक ठाक स्विंग, ठीक ठाक सीम मूवमेंट, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एरन जॉनसन 4 छक्के मारता है, 4 चौके मारता है, उनका ओपनर 4 छक्के 4 चौके मारता है, 50 करता है 100 प्लस के स्ट्राइक रेट से, रिजवान 50 करते हैं 1 छक्का मारते हैं 2 चौके टोटल मारते हैं 100 के स्ट्राइक रेट से वो करते हैं, ज़्यादातर तो उन्होंने भाग दौड़ के लिए हैं। हालांकि ये जो न्यूयॉर्क की पिच है ये सेकेंड इनिंग्स में रिलेटिवली बैटिंग के लिए ईजी हो जाती है, ये फिर वो उस तरह की मुश्किल विकेट नहीं रहती जिस तरह की मुश्किल विकेट ये पहली इनिंग में बनी होती है। तो रिजवान को डेफिनेटली थोड़ा सा तो तेज़ खेलना चाहिए था लेकिन वो नहीं उस तरह से खेल सके। और मैं आपको एक बात बताऊं, शायद ये मैच भी फंस जाता अगर आपके ओपोनेंट कनाडा जैसे इनएक्सपीरियंस्ड साइड ना होती। उनके बॉलर्स यार अच्छे थे लेकिन इनएक्सपीरियंस तो थे ना, जो साफ सी बात है,
उनके पास वो क्वालिटी नहीं थी जो हमने टीम इंडिया की देखी, क्योंकि टीम इंडिया इसी तरह फंसा हुआ था मैच। 5 ओवर्स में टीम इंडिया ने जनाब पूरे का पूरा मैच अपनी जेब में कर लिया। पाकिस्तान तो 15 ओवर्स तक गेम के अंदर इन था, पक्का पाकिस्तान लग यही रहा था, परसेंटेज वो विन प्रिडिक्टर भी पाकिस्तान के फेवर में बता रहा था, सारा कुछ पाकिस्तान के फेवर में था। आखिरी 5 ओवरों में इंडिया ने जिसे कहते हैं सारी की सारी बिसात पलट दी, बाजी उलट दी। एक ये रिजवान के डिसमिसल से मामला शुरू हुआ था इंडिया का, रिजवान को बुमराह ने बोल्ड किया, उसके बाद फिर टीम इंडिया ने पाकिस्तान को नहीं खड़े होने दिया और इवेंचुअली पाकिस्तान 6 रन से हार गया मैच। आज पाकिस्तान 7 विकेटों से जीता है, 15 गेंदें सिर्फ रह गई थी। अब आपको पता भी है कि आपको जो रन रेट है उसको ठीक ठाक किस्म का ऊपर लेकर जाना है। उसकी रीज़न यह है कि अगर US अपने दोनों मैचेस अगले हार जाता है अगेंस्ट इंडिया अगेंस्ट आयरलैंड, आप अपना कनाडा के अगेंस्ट मैच जीत गए हैं और आप जीत जाएं अगर अगला मैच अपने आयरलैंड से, तो आपके और USA के पॉइंट्स बराबर हो जाएंगे। तो देखा यह जाएगा कि आप दोनों में से किस टीम का रन रेट अच्छा है, जिसका रन रेट अच्छा होगा वो इंडिया के साथ सुपर 8 में क्वालिफाई कर जाएगी। तो आपको ये चीज़ें जहन में होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए था कि यार मुझे थोड़ा सा तेज़ खेलना है एज एन ओपनर, क्योंकि हमें रन रेट के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। सरकार ये वो कैलकुलेशन हैं जो हमारी टीम नहीं करती अनफॉर्चुनेटली। अब आप ले गए हैं, अभी तो USA ऊपर है आपसे रन रेट में, अब वो अगले दोनों मैच हारेगा तो उसका रन रेट कितना गिरता है ये डिपेंड करेगा। और फिर उसके बाद आयरलैंड वाले मैच में ये देखना होगा कि आपके लिए क्या इक्वेशन बनती है व्हेन इट कम्स टू रन रेट। आपने पहले बैटिंग की तो आपने आयरलैंड को कितने पे आउट करना है अपना रन रेट USA से बेहतर करने के लिए, और अगर आप चेज़ कर रहे हैं तो आपको USA का टारगेट कितने ओवर्स में चेज़ करना है अपना रन रेट बेहतर करने के लिए। ये सारी कैलकुलेशन रिजवान के जेहन में होनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिजवान के जहन में नहीं थी। रिजवान ने नहीं जिसे कहते हैं वो उस टाइप की इनिंग खेली जिस टाइप की इनिंग की ज़रूरत थी। तो ठीक है, बस उनकी 50 ने मैच ही जितवाया, टूर्नामेंट में आगे लेकर जा पाएगी ये 50 या नहीं ये सर्टन नहीं है। हाँ अगर कोई होती ना 30-35-40 गेंदों के ऊपर फिर भी समझ आती, 53 और 53 बॉल्स नहीं समझ में आता। और रिजवान की वो बाउंड्री हिटिंग की इंटेंट भी उस तरीके से नहीं नज़र आ रही थी जिस तरीके से बाबर आजम की नज़र आई थी। तो रिजवान की अभी भी बैटिंग में ना ठीक ठाक फ्लॉज मौजूद हैं, कब दूर होंगे अल्लाह जाने। इस वीडियो में इतने, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।